जब लगी हो जोरों की भूख और मन कर रहा हो आपका कुछ चटपटा बाहर से कुछ खाने का, तो बना सकते हैं इस रेसिपी को सिर्फ आलू से होगी। ये अंदर से बहुत सॉफ्ट और बाहर से बहुत क्रिस्पी है। आप इसे ग्रीन चटनी या फिर टमाटर केचप के साथ भी खा सकते हैं। सबसे पहले हमने आलू को छील लिया है, 4-5 आलू छील लीजिए और उसे कद्दूकस कर लीजिए इस तरह से। इस तरह से हमें सभी आलू को कद्दूकस कर लेना है। उसके बाद इसे एक अलग बर्तन में निकाल लीजिए। अब इसका जो पानी एक्स्ट्रा, इसमें पानी ऑलरेडी होता है, तो इसका पानी हमें निकाल देना है। फिर इसमें डालना है अजवाइन, हल्दी, मिर्ची, नमक, जीरा पाउडर, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 कटोरी बेसन। अब इन सबको इस अच्छी तरह से मिला लीजिए। फिर इसमें डाल दीजिए हरी मिर्च, इसे भी अच्छे से मिला लीजिए। फिर इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लीजिए इस तरह से, एक साथ बना कर रख लीजिए। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करके सभी आलू के बॉल्स को डाल दीजिए। गैस की फ्लेम को स्लो कर देना है जिससे कि ये जले नहीं, या फिर ये जल्दी ऊपर से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और अंदर से कच्चा ही रह जाएगा। तो गैस की फ्लेम को हमें स्लो रखना है जिससे कि ये अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकने दीजिए। ये लीजिए, आलू की जो स्नैक्स है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए हरी चटनी या फिर रेड सॉस के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।